हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं ये सोचता हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें इस लॉकडाउन में आपने पढ़ा होगा और आपने जाना होगा। डेफिनेटली हम मेरे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सेमेस्टर में होंगे, कोई थर्ड सेमेस्टर में होगा, कोई सिक्स सेमेस्टर में होगा। कुछ स्टूडेंट्स की ड्रीम ऐसी होगी कि वो गेट की तैयारी नहीं करना चाहते, सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और अपने बेसिक नॉलेज को बहुत बढ़ाना चाहते हैं और वो या तो PSU की डायरेक्ट एग्जामिनेशन जैसे इसरो बार की तैयारी करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते होंगे। डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये एडवांटेज है कि वो ये मेरा जो सीरीज़ है वो डेफिनेटली देखें, और जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सभी टाइप के डिवाइसेस को समझना चाहते हैं, अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी बनाना चाहते हैं और सारे चीज़ों की ओपनिंग्स अपने सामने रखना चाहते हैं, चाहे वो ESE हो, चाहे वो PSE हो, चाहे नॉन गेट एग्जामिनेशन हो या फिर गेट हो, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी इस लेक्चर को मेरी सुन रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक नया यहाँ पे टॉपिक चालू करने का फैसला किया है गेट एकेडमी चैनल पे, और वो टॉपिक है एक्चुअली में सभी नॉन गेट ESE एग्जामिनेशन वालों के लिए और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी ओपनिंग्स रखना चाहते हैं कि मैं किसी भी फील्ड में जा सकता हूं, तो उन सभी के लिए मैं यहां पे चालू कर रहा हूं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर गेट के सिलेबस से 2016 के आसपास रिमूव कर दिया गया, क्योंकि प्रैक्टिकली जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ नहीं होता है और उसको रिप्लेस कर दिया गया है MOSFET से, क्योंकि प्रैक्टिकली भी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो MOSFET से रिप्लेस हो गया है। लेकिन काफ़ी सारे इनोवेशंस है और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो आज तक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से ही होते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि अगर आप MOSFET को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर किसी डिवाइस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ वियर्ड थिंग्स होते हैं, कुछ ऐसी अमेजिंग थिंग्स आपको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में देखने को मिलेगा जो आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाए, डिस्क्रिप्शन मतलब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ साथ कंसेप्चुअल कनेक्शन जो कि बेसिक डिवाइस मतलब डायोड के साथ अगर आपको क्रिएट करके दे दिया जाए तो डेफिनेटली आपको वो मखमल की तरह ईजी लगेगा और आपको फटाफट समझ में आएगा। और ऐसे ही कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पूरा बेसिक, ताकि मैं एक एम्पलीफायर का सीरीज़ भी चालू करूँगा ताकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के साथ साथ आप उस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकें और प्रॉपरली सारे डिवाइसेस के वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस, ये सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी सोच के साथ मैं अपना ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपके सामने रखता हूँ। देखिए वंडर आपके साथ क्यों होगा, क्योंकि आपके लिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जब आप सोचते हैं, आपके दिमाग में अगर आप सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, किसी बुक में देखे हैं, ESE का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, और किसी भी कंडीशन में आपको जब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दिखता होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा कि हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करूँ या फिर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखता होगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको ये दिखता होगा जो कि इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैच करता है किससे, जो कि मैच करता है BJT से। तो यहाँ पे जैसे आपके पास सोर्स है, गेट है, ड्रेन है, तीन टर्मिनल्स हैं, और इन तीन टर्मिनल्स का बिहेवियर, इसका एनालॉजी किससे हम ले सकते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। और ये आपको ऐसा दिखता होगा, ऐसा ये आपके पास एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET एन चैनल का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मुझे एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर वाइज ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इन सारी बातों को समझेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। कारण क्या है, क्योंकि मैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एक नए डिवाइस की तरह नहीं लेता, एक नए डिवाइस की तरह नहीं लेता, मैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को जो बेसिक डिवाइस है जिसका नाम है आपके पास
एक डायोड जो कि बिल्कुल सिंपली दो डिफरेंट टाइप को सेमीकंडक्टर्स को जोड़ के बनाया जाता है और वहीं से हमारा डिवाइस का पहला कंसेप्ट जो है वो चालू होता है डायोड से। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे देखिए ये सारे डिवाइसेस मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, ये सब डायोड्स है। अगर मैं इस डायोड को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं इस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो अमेजिंग कंसेप्ट्स आते हैं और उसके बाद मॉस्फेट से कैसे उसको कनेक्ट करना है, ये सारी बातों को मैं भी समझ सकता हूँ। तो एक स्टोरी है, बिल्कुल सिंपल है कि एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आप विजुलाइज कैसे करते हैं। जो इनविजिबल चीज़ें हो रही है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर, जो उसकी कंसेप्चुअली आपको सिर्फ बताया जाता है, उसको आप विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको आप विजुलाइज इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो बीच में मैंने बनाया, ये सिंपल एक रेसिस्टर्स, सिंपल डिफरेंट रेसिस्टर्स है बोलना चाहिए, और इस रेसिस्टर को का बिहेवियर, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। जब से हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना चालू किया, ओम्स लॉ के बारे में जाना, तब से हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जो कि सब दिखने में समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उसको इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फिर से मैं क्रिएट करूं और बोलूं कि ये सब डायोड ही था, तो डेफिनेटली आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी। अगर आपको डायोड प्रॉपरली पकड़ में आया, तो अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि डेफिनेटली आप डायोड के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे होंगे तब आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं। अगर आपको डायोड क्लियर है तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपको समझ में आएगा, और मैं सोचता हूँ कि 80% स्टूडेंट्स को डायोड जो है वो क्लियर होता है। तो आप जब मेरे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लेक्चर को देखेंगे तो डेफिनेटली ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके पास रखा जाएगा और आपको डेफिनेटली ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप बिल्कुल किसी भी लेक्चर को छोड़िएगा मत, ये डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइडेड होगा, और आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि सर आगे क्या होगा। आप कोई भी प्रेडिक्शंस पहले से मत कीजिएगा कि यहीं तक, अरे सर यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको नई बातें पता चलती रहेगी। तो डेफिनेटली मेरी ये कोशिश रहेगी कि जब भी आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो उस लेक्चर को वहाँ तक फिनिश इट अप मत समझिए, आपके पास आगे और भी उससे कनेक्टेड बेहतरीन कंसेप्ट आने वाले हैं, और एट लास्ट जब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम एंड करेंगे तब आप विजुलाइज कीजिएगा। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा उस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, जो कि आपने शुरू से एंड तक देखा है, और प्रॉपरली आपको इमेजिन करवाऊंगा और आपको एट द एंड ये फील करवाऊंगा, करवाने की कोशिश करूंगा। वो तो होगा नहीं होगा वो आपके कंसेप्ट पे डिपेंड है। फील करवाने की कोशिश करूंगा कि आप जो भी डिवाइसेस पढ़े हैं वो डिवाइस बिल्कुल ही सिंपल है, और एक सिंपल स्टोरी की तरह ये डिवाइस भी कंसेप्चुअली आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इसके फॉर्मूलेस किस तरीके से हमेशा रहना चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, आपके परमानेंट माइंड में, परमानेंट विजुअलाइजेशन में मैं किस तरीके से चीज़ों को आपको करवाऊंगा, वो सारी बातें हम इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ जब तक मैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एंड नहीं बोल देता और आपको वो स्टोरी नहीं सुना देता, तब तक आप देखते जाइए और हर एक पॉइंट को एंजॉय कीजिए, हर एक वीडियो को एंजॉय कीजिए, और कहीं पे भी कंक्लूड मत कीजिए कि सर इसके यहीं तक है या फिर प्रॉपर तरीके से हमको अभी समझ में नहीं आया है। देखिए जब तक एंड नहीं होता है डिवाइस तब तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो उस एंड होने का टाइम दीजिएगा, आप बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, समझते रहिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद जब एंड करेंगे तब आप पूछिएगा कि सर वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन मिलेगा एक एक लेक्चर्स का, तब जाके आपको एक प्रॉपर आइडिया हो पाएगा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसा है। तो अधूरा नॉलेज मत रखिएगा, वो बहुत डेंजरस होता है। देखना चालू किए हैं तो पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद ही कुछ कंक्लूड कीजिएगा। बीच में कोई भी चीज़ें कंक्लूड मत कीजिएगा, डाउट्स आप पूछ सकते हैं, कंक्लूड मत कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और इसके पहले ये भी मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देखने से पहले आप डायोड के कंसेप्ट को, उसके जंक्शन को, उसके इलेक्ट्रिक जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये सारे जो EDC में होते हैं वो सारी बातों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। ये लेक्चर एडवांटेजियस हो सकता है जो कि सेमेस्टर में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो ESC की तैयारी कर रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो ये चाहते हैं कि हमको सभी डिवाइसेस प्रॉपर समझ में आना चाहिए नॉलेज पर्पज से, उनके समझ में भी आएगा, और जो ये चाहते हैं कि मेरी
सारे डायरेक्शंस में जो कॉन्सेप्ट्स है वो प्रॉपर हो। सिर्फ एक एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के मैं तैयारी नहीं करना चाहता, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ठीक है, हम चालू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जिसमें मैं आपको सारी बातें फिर से बताऊंगा कि एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, क्या दिमाग में आया तो उसका कंस्ट्रक्शन किया गया। ओके, थैंक यू।